सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 16,000। अगर आपका बजट 14 से 16,000 के बीच में और इस प्राइस रेंज में आप एक बेस्ट कैमरा फोन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये चारों 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। कैमरा आपको जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा। इन सभी फोन के कैमरे में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन और टाइम लैप्स जैसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। तो कैमरा में दोस्तों आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इन सभी फोन में कैमरा स्मार्टफोन ही है। और कैमरा के अलावा भी इन सभी फोन के सभी जो फीचर्स है वो काफी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि IPS LCD पैनल मिलेगा आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और आपको सुपर एमोलेड वाला जो है डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। और गाइस बढ़िया परफॉर्मेंस दिया गया है इन सभी स्मार्टफोन में, तो आप जो है काफी अच्छा गेमिंग भी कर पाएंगे, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर या फिर कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को जो है आप इजीली प्ले कर पाएंगे। और इन सभी स्मार्टफोन में कम से कम आपको 5000 mAh का बैटरी और 33W का चार्जर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इनमें से किसी को भी खरीदते हैं तो बाद में आपको कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर की ओर चलेंगे, तो जरूर आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, जो कि एक काफी अच्छा फोन है दोस्तों। कैमरा में भी काफी अच्छा है, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन का जो बैक पैनल और फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही आपको मिलेगा, बेजल्स लेस डिस्प्ले है, बेजल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज 192 ग्राम का है, तो फोन आपको उतना भारी भी देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ठीक ठाक वजन है और काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है। और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जो कि काफ़ी फास्टली वर्क करता है। और गाइज इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, तो दो सिम कार्ड आप एक साथ लगा पाएंगे या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड। अगर डेडिकेटेड स्लॉट होता तो और भी काफ़ी अच्छा होता। बट दोस्तों हमने जो है कैमरा के लिए इन सभी स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ हम जो है कैमरा को देखेंगे कि बेस्ट मिलता है कैमरा या फिर नहीं। इसके बैक साइड में कैमरे को एक गोल शेप में फिट किया गया है, जो कि काफी बेहतर दिखता है। आपको दोस्तों डिजाइन में काफी मस्त देखने को मिलेगा यह फोन। अगर आप एक बेस्ट स्टाइलिश फोन लेने की सोच रहे हैं तो यह फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब इस फोन के हम मेन फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.7 इंच का एक बड़ा सा फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो काफी अच्छा डिस्प्ले आपको मिल रहा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। रिफ्रेश रेट आपको ओनली 60Hz का मिल रहा है, अगर 90Hz होता तो और भी बेस्ट होता, लेकिन जो प्राइस है इस फोन का उसके हिसाब से दोस्तों काफी अच्छा है, आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया जा ही रहा है। अगर आप धूप में भी कोई कंटेंट पढ़ते हैं या फिर वीडियोज वगैरह देखते हैं तो आपको कोई भी ब्राइटनेस प्रॉब्लम नहीं होगा, और दोस्तों वीडियोज का जो कलर है वो काफी अच्छा देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर डिस्प्ले के बारे में कहें तो जो आपका प्राइस लग रहा है 15,000 या फिर जो है 16,000 रुपये, उसके हिसाब से दोस्तों डिस्प्ले काफी अच्छा आपको दिया जा रहा है इस फोन में। वैसे प्राइस भी उतना नहीं लग रहा है, सिर्फ 8GB रैम वाला फोन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये में दिया जा रहा है। बात करें इस फोन के मेन फीचर्स की, तो जिसके लिए हमने जो इन सभी स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, तो कैमरा की बात करते हैं, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया जा रहा है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है, और गाइज एक AI लेंस मिल जाएगा। और फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया जा रहा है। रियर कैमरे से 30fps पर 1440p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में। तो फोटो क्वालिटी हो या फिर जो है वीडियो क्वालिटी, वो काफी झकास देखने को मिलता है। आप अच्छी लाइट में जो है काफी अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाइट में फोटो क्लिक करते हैं तो शायद आपको जो है थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत लाइटिंग की समझ है तो आप जो है काफी अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं इस फोन से। और साथ ही कैमरे में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन और ब्यूटी मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते ही हैं। तो कैमरा में काफी अच्छा है, कैमरे में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें, तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आराम से आप इस फोन को 2 दिन तक यूज कर सकते हैं, और आपको चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट मिलेगा। सिर्फ 1 घंटे में आप इस फोन को जो है 100% तक चार्ज कर सकते हैं 0% से। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको जो है MediaTek Helio G99 का एक पावरफुल हाई स्पीड प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है। इसमें दोस्तों मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं 3 से 4 घंटा, तो आपको जो है थोड़ा बहुत लैगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेसर काफी अच्छा है, आपको जो है परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा। और दोस्तों इस फोन को हमने जो है इसीलिए सिलेक्ट किया है कि आपको जो है सिर्फ 14,000 रुपये के प्राइस में 8GB रैम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा। अब हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme 9, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है ये। इसका एक 5G वाला वेरिएंट भी आया है, लेकिन उसे खरीदने के लिए दोस्तों कम से कम आपको जो 18,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है कैमरा, लेकिन काफ़ी महंगा स्मार्टफोन है, इसीलिए हमने जो है 4G फोन को इसमें जो है सेलेक्ट किया है। तो चलिए हम इस फोन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो बैक पैनल और फ्रेम है वो प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बैक पैनल पे थोड़ा बहुत उंगलियों के निशान देखने मिलते हैं, लेकिन गौर से देखने पे काफ़ी हल्का स्मार्टफोन है, सिर्फ 178 ग्राम इसका वेट है।
और अगर दोस्तों काफ़ी पतला भी है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे दिया गया है। अच्छी बात तो यह है कि इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी कि दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ लगा पाएंगे। फ़ोन के राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा, ठीक उसी के ऊपर आपको जो वॉल्यूम रॉकर्स भी दिया गया है। फ़ोन के नीचे के साइड में 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक्रोफोन और USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और बैक पैनल पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जो दोस्तों थोड़ा सा ओबरा हुआ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फ़ोन गिरने पे जो है इसके टूटने के ज़्यादा चांस रहता है। तो अगर आप कवर को यूज करते हैं तो काफ़ी सेफ अपने फ़ोन को रख पाएंगे। कुल मिलाकर डिज़ाइन के बारे में कहें तो काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया है इस फ़ोन में, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके इसका जो येलो कलर वाला वेरिएंट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, शायद आपको भी पसंद आ सकता है। अब इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 360Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी खपत कम हो तो आप 90Hz को 60Hz पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो मोड सेलेक्ट करते हैं तो फोन ऐप के हिसाब से रिफ्रेश रेट को चुनता है। अगर आप धूप में कोई कंटेंट वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा इस फोन में दिया जा रहा है। डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। और गाइस फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, काफी अच्छा फोटो डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सेल्फी कैमरा दोस्तों उससे भी अगर आप शॉट्स क्लिक करते हैं तो उसका जो कलर्स और डिटेलिंग है वो काफी अच्छा आता है। लो लाइट में आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, लेकिन डे लाइट या फिर आउटडोर में अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो काफी लाजवाब डिटेलिंग आपको मिलेगा। तो कैमरा काफी अच्छा दिया गया इस फोन में, अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो कैमरे में आपको निराश नहीं करेगा। बैटरी और चार्जर की बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33W का डार्ट चार्जर मिलता है, जो कि काफी फास्टली आपको जो है चार्जिंग स्पीड मिलेगा इस फोन में। सिर्फ एक घंटे में आप इस फोन को जो है फुल चार्ज कर सकते हैं और बैटरी बैकअप भी आपको जो है काफी अच्छा मिलेगा, 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा नॉर्मल यूजर्स के लिए। अगर आप रेगुलर गेमिंग करते हैं या फिर वीडियो वगैरह ज्यादा देखते हैं तो इस केस में आप जो आराम से इस फोन को एक दिन यूज कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों में काफी अच्छा है। इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट दिया गया है, जो कि काफी पावरफुल है, मल्टीटास्किंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप 10-12 एप्स को बैकग्राउंड में ओपन करके भी छोड़ देते हैं फिर भी परफॉर्मेंस स्लो नहीं होगा, काफी अच्छा आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा। पबजी, फ्री फायर या फिर COD जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को दोस्तों आप जो रेगुलर 2-3 घंटा आराम से खेल पाएंगे इस फोन में। 16000 रुपये के प्राइस में रियलमी की तरफ से काफी अच्छा फोन देखने को मिलता है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब सेकेंड नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10S, जो कि एक दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन है, खास करके कैमरा में ये बेस्ट है, ठीक है, इसलिए इस फोन को हमने जो है सेकेंड नंबर पे रखा है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि कैमरा के अलावा और सभी फीचर्स कैसा है। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसका तो डिजाइन है दोस्तों वो काफी अलग लेवल का है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा इसका डिस्प्ले। बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक का ही है और सिर्फ 178 ग्राम का है, तो काफी हल्का स्मार्टफोन है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा और डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। और वैसे इस फोन को जो अभी एक मेरा फ्रेंड यूज कर रहा है अभी दोस्तों, वो काफी अच्छा इसका जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, करीब 1 ईयर से ज्यादा हो गया फोन को लिए हुए, अभी भी जो है काफी अच्छा गेमिंग कर रहा है इस फोन में। और कैमरा का तो कुछ कहना ही नहीं है, डिजाइन इस फोन का काफी अच्छा दिया गया, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि दोस्तों 1100 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस के साथ आता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। काफी स्मूथ और ब्राइट डिस्प्ले है, गेमिंग वगैरह करने में आपको काफी आनंद आएगा। वीडियोस का जो कलर है दोस्तों वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिलता है, डिस्प्ले में आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो जिसके लिए ये फोन जाना जाता है, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया जा रहा है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिलेगा। और फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि रियर कैमरे से 30fps पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो कैमरा में काफी अच्छा है, साथ में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन, टाइम लैप्स और ब्यूटी मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही। लो लाइट में भी अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो डिटेलिंग काफी अच्छा मिलेगा और डे लाइट या फिर आउटडोर का तो कुछ कहना ही नहीं है, काफी अच्छा फोटो क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे दोस्तों 20000 रुपए के प्राइस वाले बेस्ट कैमरा फोन में भी ये शामिल है, तो कैमरा में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस फोन से, कैमरा में काफी अच्छा है। बात करें बैटरी की तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर मिलता है।
तो ऑलमोस्ट सभी फोन में आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड वही मिलेगा 5000 मिली एम्पीयर का और 33 वाट का। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में आपको किसी भी फोन में कोई भी तरह का जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी अच्छा मिलेगा बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड। बात करें परफॉर्मेंस की तो MediaTek Helio G95 का एक पावरफुल प्रोसेसर इसमें आपको दिया गया है, काफी हाई स्पीड परफॉर्मेंस इस फोन में आपको मिलेगा। गेमिंग वगैरह काफी स्मूथली कर पाएंगे, चाहे आप पबजी प्ले करें, फ्री फायर या फिर सीओडी जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम। और जैसे कि हमने आपको कहा कि मेरा फ्रेंड अभी इस फोन को यूज कर रहा है तो उसका जो परफॉर्मेंस दोस्तों वो भी अभी भी जो है काफी अच्छा चल रहा है, 1 ईयर से ऊपर हो गया है लिए हुए फोन को। तो परफॉर्मेंस में काफी अच्छा फोन है ये, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें दोस्तों तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, काफी अच्छा है और आपको कैमरा भी बेस्ट मिल ही जाता है, साथ में बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक है और परफॉर्मेंस में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो रेडमी की तरफ से सेकंड नंबर पे काफी अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है ये, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब टॉप पे भी आता है रेडमी की तरफ से ही रेडमी नोट 11S जो कि 10S का सक्सेसर है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये, इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, कैमरा भी बेस्ट है और डिस्प्ले और जो है बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड सभी फीचर्स इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके बैक पैनल आपको ग्लास वाला मिलेगा और फ्रेम प्लास्टिक का है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फोन को होल्ड करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम फील देगा, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा इसमें आपको जो डिज़ाइन मिलेगा 179 ग्राम का है तो फोन काफी हल्का है। और गाइस ये डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है तो दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो कि फोन के राइट साइड में आपको मिलेगा जो कि पावर बटन में इंटीग्रेट किया गया है और उसी के ठीक ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर्स मिलेगा। और गाइस नीचे की साइड में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। कुल मिलाकर डिजाइन के बारे में कहें तो काफी अच्छा सा डिजाइन है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है ये फोन। अब इस फोन के मेन फीचर्स की बात करें तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, इसमें आपको 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है, काफी स्मूथली डिस्प्ले वर्क करता है। और गाइस 1100 निट तक का हाई पीक ब्राइटनेस के साथ भी आता है और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। इसका डिस्प्ले दोस्तों काफी अलग लेवल का ही मिलता है, डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पबजी फ्री फायर या फिर सीओडी जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को काफ़ी स्मूथली प्ले कर पाएंगे। अगर आप धूप में भी कोई कंटेंट वगैरह पढ़ते हैं या फिर वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपको कोई भी डिस्प्ले पे ब्राइटनेस प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस रेडमी के फोन में, आपको डिस्प्ले में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है और डेप्थ सेंसर। और गाइस फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 30 fps पर 1080p तक में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन, टाइम लैप्स और ब्यूटी मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर आप लो लाइट में भी फोटो क्लिक करते हैं तो इससे जो है काफ़ी अच्छा डिटेलिंग आपको मिलेगा। वैसे जो सेकंड नंबर पे फोन आया था रेडमी नोट 10S वो भी दोस्तों कैमरा में काफ़ी अच्छा है, उससे तो आप 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो वो फोन कैमरा में इससे थोड़ा अच्छा है लेकिन उसका प्राइस है दोस्तों वो करीब जो है आपको जो है 15,000 से 16,000 के बीच में मिलेगा, लेकिन ये फोन आपको ओनली 14,000 रुपये के प्राइस में मिल जाएगा, इसलिए इस फोन को जो हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है। तो इस फोन के कैमरे में भी आपको जो है कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लो लाइट में भी जो है आप काफी अच्छा फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, डिटेलिंग आपको काफी अच्छा मिलेगा। वहीं बैटरी और चार्जर की बात करें तो इसमें 5000 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33 वाट का चार्जर। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, दोनों आपको काफी अच्छा मिलेगा, सभी फोन में आपको जो यही बैटरी मिल रहा है और यही चार्जर। तो अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं फोन को तो आराम से 2 दिन यूज कर पाएंगे और अगर आप एक हैवी यूजर्स हैं तो आराम से इस फोन को 1 दिन यूज कर सकते हैं। बात करें प्रोसेसर की तो MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर दिया गया जो कि काफी पावरफुल है और काफी अच्छा गेमिंग वगैरह इस फोन में आप कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 विद MIUI 13 पे वर्क करता है, थोड़ा बहुत ब्लॉट वेयर इस फोन में आपको मिलेंगे बट आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस फोन में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिल जाता है और आपको पता होगा कि MediaTek Helio G का जो प्रोसेसर है वो कितना बेस्ट होता है, तो गेमिंग वगैरह आप काफी स्मूथली कर पाएंगे, कोई भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप जो काफी अच्छे से प्ले कर सकते हैं इस फोन में। तो रेडमी की तरफ से टॉप पे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है और लेटेस्ट है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। तो हमारे नजर में दोस्तों 16,000 रुपए के प्राइस में ये चारों बेस्ट कैमरा फोन में आता है। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस फोन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।